एक समय की बात है, राजस्थान में जांबाज राजपूतों का बसेरा था। उनका एक ही मकसद था, अपनी इज्जत और एक शान की लड़ाई। राजपूतों में सबसे आगे थे चित्तौड़ के राजपूत, जिन्होंने मिसाल कायम की। चाहे बहादुरी हो चाहे बलिदान, ये दोनों में आगे थे। 18वीं सदी में इन्होंने अपनी धरती को दुश्मनों से बचाने के लिए बहुत बार हथियार उठाए। राजपूत मर्द ही नहीं, राजपूतानियां भी अपनी आन बान शान के लिए मरना और मारना जानती थी। एक तरफ कर्मा देवी ने कुतुबुद्दीन की सेना को हराया था, तो दूसरी तरफ रानी पद्मावती अपनी हजारों दासियों को लेके जौहर की आग में कूद गई थी। उन्होंने ये करके खुद की और अपनी मिट्टी की लाज अलाउद्दीन खिलजी के हाथों लूटने से बचाई थी। ये कहानी राजपूतों में राजपूत राणा प्रताप की है। बात ये थी कि चित्तौड़ पे अपना कब्जा करने वाले मुगल पहले परदेसी थे। हालांकि बहुत से राजपूत राजाओं ने मुगलों के सामने सर झुका दिया था, पर राणा प्रताप एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने चित्तौड़ को मुगलों से आजाद करने की कसम खाई थी और उनके सामने हथियार ना डालने की ठान ली थी। इसी के साथ साथ उन्होंने और उनके साथियों ने एक और प्रण लिया। जब तक हम आजादी नहीं पाएंगे, तब तक हम जमीन पर सोएंगे और शानदार कपड़े नहीं पहनेंगे। उन्होंने मुगलों को झुकाने की तैयारी शुरू कर दी। उनका मानना था कि उन्हें शुरुआत करनी चाहिए एक बड़े किले पे हमला करके। उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। अपनी छोटी सी सेना लेकर उन्होंने चित्तौड़ के पास एक छोटे किले पर हमला किया और मुगल सेना को हरा के किला अपने कब्जे में कर लिया। उनकी इस जीत का नतीजा ये हुआ कि चित्तौड़ के बहुत से लोग आगे आए और उनकी सेना का हिस्सा बन गए। इसी तरह उनकी सेना धीरे धीरे बढ़ती गई और उन्होंने सबको एक संदेश पहुंचाया। उन्होंने डंके की चोट पे कहा, चित्तौड़ के लोगों को बता दिया जाए कि हालांकि उन पे परदेसी राज कर रहे हैं, उनका असली राजा मैं हूँ। जब ये खबर अकबर तक पहुंची, तब दूरदर्शी अकबर ने अपने लोगों से कहा कि उन्हें राणा प्रताप को ऐसा वैसा नहीं समझना चाहिए। उनकी सेना छोटी सही, पर उसे दबाना आसान नहीं होगा। वहां राणा प्रताप सख्ती से काम कर रहे थे। जब उन्हें ये पता चला कि एक किसान ने अपने ही जमीन पे अनाज उगाया है, तब वो आग बबूला हो गए। किसान ने उन्हें समझाया कि उसने इस बात की आज्ञा मुगल गवर्नर से ली थी। ये बात सुनके तो उन्हें और भी आग लग गई। उनका मानना था कि इस अनाज से दुश्मन का पेट भरा जाएगा। उन्होंने किसान को इस गलती के लिए माफ नहीं किया। उन्होंने उस किसान को मौत की सजा दी। इन सब हरकतों की वजह से राणा प्रताप का दबदबा और भी बढ़ रहा था। अकबर के हिसाब से राणा प्रताप से दोस्ती करने में ही सबकी भलाई थी, इसलिए उन्होंने अपने कमांडर मान सिंह को प्रताप के पास भेजा। दोस्ती का प्रस्ताव लेके जब मान सिंह राणा प्रताप के महल में पहुंचे, तो वहां उसका स्वागत राणा प्रताप के मंत्री ने किया। दोनों में बातें शुरू हुई। मान सिंह ने अकबर की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर मंत्री ने ये कहा कि वो अकबर को राजा नहीं मानते हैं। वो तो एक परदेसी है जो जबरदस्ती राज करने की कोशिश कर रहा है। इतने में राणा प्रताप खुद आ गए। उन्होंने मान सिंह को खाना खाने के लिए कहा, पर साथ में ये भी कह दिया कि वो उसके साथ नहीं खा सकते, क्योंकि उसने अपना ईमान और देश की इज्जत दुश्मनों के हाथ बेच दी है। मान सिंह ने इस बात को अपनी बेइज्जती समझा और गुस्से में लाल पीला होके राणा प्रताप से कहा, मैं एक दोस्त की तरह आया और तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस यहीं से हुई हल्दी घाटी की लड़ाई की शुरुआत। हल्दी घाटी की लड़ाई कुछ इस तरह हुई। मान सिंह और राजकुमार सलीम एक विशाल सेना को लेकर निकले। उनका ये मानना था कि अगर राणा प्रताप अपने किले से बाहर आ जाते हैं, तब उन्हें हराना आसान हो जाएगा। अकबर की सेना सफर करके हल्दी घाटी के मैदान जंग में पहुंची। हल्दी घाटी कोई ऐसा वैसा मैदान नहीं था, असल में वो एक खतरनाक घाटी थी। मुगलों के पास 80,000 सैनिक, बहुत सी बंदूकें और कई सारे तोपे थे। दूसरी तरफ राणा प्रताप के पास सिर्फ 22,000 सैनिक थे और एक भी बंदूक नहीं थी। शुरू में तो अकबर के यहाँ से आई सेना को घाटी के इस तरफ इंतजार करना पड़ा। वो उस पल का इंतजार कर रहे थे जब प्रताप की सेना आक्रमण करती। ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए उनके एक सैनिक ने एक रास्ता निकाला। उसने उन्हें बताया कि राणा प्रताप के किले तक पहुंचने का एक लंबा रास्ता है। राणा प्रताप के पास कोई चारा नहीं बचा और उसने कम सेना होने के बावजूद भी
मुगलों पे हमला कर दिया। इस युद्ध में राणा प्रताप के साथ उनके वफादार घोड़े चेतक ने भी हिस्सा लिया। मुगल तरफ की सेना बढ़ती जा रही थी और राणा प्रताप 15,000 सैनिक खो चुके थे, पर युद्ध जारी था। राणा प्रताप ने सोचा, मान सिंह एक अच्छा कमांडर है, अगर मैं उसको मार दूंगा तो उससे उसकी सेना का विश्वास टूट जाएगा। प्रताप हमला करने के लिए मान की तरफ बढ़ा। मान की खुशकिस्मती ये थी कि जिस हाथी पे वो बैठा था वही उसका रक्षक निकला। जैसे ही राणा प्रताप ने भाला उसकी तरफ फेंका, हाथी अपने जगह से हिल गया और मान सिंह की जान बच गई। प्रताप को दुश्मनों ने घेर ही लिया था जब उनके एक खास माना ने अपना दिमाग चलाया और प्रताप का हेलमेट पहन लिया। दुश्मन ने माना को राणा प्रताप समझ के घेरा और असली राणा प्रताप मैदान से फुर्र हो गया। राणा प्रताप का हाल बुरा था, अब वो अपने परिवार के साथ जंगल जंगल भटक रहे थे, रसभरियां, जड्डे और सूखी रोटियां तोड़ रहे थे। कुछ समय बाद वो तंग आ गए और उन्होंने अकबर से समझौता करने की सोची और उन्हें एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी पढ़कर बादशाह अकबर का सीना चौड़ा हो गया, लेकिन उनके एक दरबार के एक कवि पृथ्वीराज, जो कि राणा से मन ही मन बहुत प्रभावित थे, को ये बात बहुत अखड़ी। उसने वापस राणा प्रताप को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा, सिर्फ तुम ही हो जो राजपूतों की इज्जत बचा सकते हो। अगर हम अकबर को अपना राजा मान ले तो शायद सूरज पश्चिम से निकल आए। राणा प्रताप के दिल पे इस बात का बहुत असर हुआ, इसलिए जब अकबर की सेना उन्हें जंगल में लेने के लिए पहुंची तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, सेना ने उन पे हमला किया, वो वापस लड़े, उनकी सारी राजपूत सेना खत्म हो गई और जिस समय उन्हें मुगल अपने कब्जे में लेने ही वाले थे, एक चमत्कार हुआ। जंगल के भील आदिवासी उनकी मदद के लिए आए और मुगलों पे हमला किया और निहत्ते राणा प्रताप को बचा के घर ले आए। राणा प्रताप अपनी पूरी सेना के मरने से उदास थे, उन्हें एक नई सेना खड़ी करने के लिए धन चाहिए था, उन्हें मुगलों को हराने के लिए सेना चाहिए थी। ऐसे मौके पे उनकी मदद चित्तौड़ के व्यापारी भामा शाह ने की। आखिरकार राणा प्रताप के पास दोनों चीजें थी, धन और भील आदिवासियों की एक धुरंधर सेना। अब उन्होंने मुगलों की नाक में दम करना शुरू किया। भिंसारा का किला मुगलों से छीना, देवर, उदयपुर और कोमल मीर को आजाद किया। बस एक बात ऐसी थी जो राणा प्रताप को खाए जा रही थी, वो 20 साल लड़ने के बाद भी चित्तौड़ को मुगल राज के चंगुल से बचा नहीं पाए थे। यही गम लेके एक दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं कितना बदकिस्मत हूं कि मैं अपनी मातृभूमि चित्तौड़ को आजाद नहीं कर पाया। दिल को छूने वाली बात तो ये है कि वो अपने जीवन के आखिरी दिन तक जमीन पर सोते रहे, चित्तौड़ को आजाद नहीं करा पाए और जबां के पक्के राजपूत ने अपना प्रण भी नहीं तोड़ा। कुछ इस मिजाज के निकले राजपूतों के राजपूत राणा प्रताप। यह वीडियो अमर चित्रकथा की कॉमिक पे आधारित है। इस कॉमिक को खरीदने के लिए ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करें। अमर चित्रकथा स्टोरीज का हर नया एपिसोड देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करना भूलिएगा नहीं।